हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, होना भी चाहिए। इसके पहले वाली वीडियो में जो बातें नहीं कर पाए थे, तो वो सारी बातें आज निमेश करेंगे आपके साथ। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो जो है एक आम आदमी यानी कि एक साधारण आदमी के अनुभव, अच्छे और बुरे अनुभव दोनों के बेसिस पर ही बनाई जा रही है। तो ये वीडियो जो है हर परिवार के लोगों को देखना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो जॉब करते हैं, जिनकी शादी हो गई, अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को देखनी चाहिए, या फिर अगर शादी नहीं हुई है और एडल्ट हैं तो उनको अपने मम्मी पापा को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है एक प्रॉपर प्लानिंग से संबंधित है। एक बुरे अनुभव को कंसिडर करते हुए अपने लाइफ में जो प्रॉपर प्लानिंग होती है ना, वो करने से बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं ही हूँ, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया या कोई चीज़ भी कहीं पर भी पैसा लगाया है या कुछ किया है, वो क्यों किया है? अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए या फिर अपने परिवार के लिए। अगर मैं ही नहीं रहूंगा और चीज़ें मैस रहेगी, वो क्लियर ही नहीं रहेंगी चीज़ें, तो उसका बेनिफिट कौन उठाएगा? जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वो उठाएंगे, कोई कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपके परिवार वालों को नहीं मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद से ऑर्गेनाइज की, ताकि कुछ ऐसी अनहोनी हो तो परिवार वालों को ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें प्लान की गई थी तो उन्हीं लोगों के लिए। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा ये वीडियो आगे बनाने का। तो इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ मैं, वो आपसे हेल्थ और एसेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, एसेट्स या प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि एट यंग एज फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, इस पर थोड़ी सी बात करूँगा अपने अनुभव के हिसाब से। तो अनिमेश आगे कुछ बोले उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। इस वीडियो को हमारा बनाने का मकसद ये है कि अनिमेश ने जो एक्सपीरियंस किया, तो एक आम आदमी है अनिमेश, और जो उनका एक्सपीरियंस है वो रियल एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने क्या स्टेप्स लिए लाइफ पे, तो उस पर बेस्ड ये वीडियो है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसकी पढ़ाई की है या फिर कोर्स किया है। जिनको ये नॉलेज है उनके पास जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, बट यहाँ जो चीजें हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हमने अपने ऊपर लिया हुआ है, हमें मालूम है, और हमने उस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये सिर्फ थ्योरी वाली चीज नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अनिमेश आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इनका कहना ये है कि फाइनेंस मैनेजमेंट में ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा कि आप इतने पैसे लगाओ और इतने हो जाए, और जो क्लिक बेट वाली बात होती है, करेक्ट ना, कि सब लोग आके देखे, ऐसी बात नहीं है। ये अनुभव के हिसाब से ही वीडियो बनाई जा रही है। और अगर कुछ गलत बोलते हैं, मतलब फिनांस वगैरह से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता है कि नॉलेज नहीं हो, क्योंकि जाहिर सा बात है कि ये तो एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्रैक्टिकल चीजों के हिसाब से बनाई गई वीडियो है, और हमारे लाइफ में क्या हुआ उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो गलत हो भी जाए तो प्लीज आप उस चीज को इग्नोर कीजिएगा और माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि बताया कि वो बस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये हमारा क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेल्थ मैनेजमेंट की बात करता हूँ। हेल्थ तो बहुत ही जरूरी है, तो मैंने जो पहले बताया है कि मैंने जो डाइट फॉलो किया वो तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, अगर नहीं भी होता आप लोगों से या फिर किसी और से जिनके हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, ओवरवेट है एंड ऑल, वो एटलीस्ट उसका आधा तो फॉलो कर ही सकते हैं। आधा फॉलो करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें हर चीज़ की लिमिट रखनी है। पूरे दिन भर में 1 से 2 चम्मच शुगर, 1 स्पून सॉल्ट और 5 टीस्पून जो है तेल, उससे कम ऑयल जो आप लोग खाते हैं उससे कम ही खाना है। और अननेसेसरी फ्राइड तेल की चीज़ें जो होती है, लोग भर भर के तेल की पकौड़े छान रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। वीक में 1 दिन खा सकते हैं। रेड मीट्स जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि मटन, ये अवॉइड करनी चाहिए। 15 दिन में 1 दिन खा लिया, और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। घर में आप देखेंगे कि मटन बन गया, और अगर मटन बन गया तो लोगों ने खा लिया, खाने के बाद वो रह जाता, उसके बाद वो अरे कल सब्जी नहीं बनाते, रात को सब्जी नहीं बनाते, फिर वही चीज़ें 2-3 बार चल जाती हैं। ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि जब एक बार मटन खाते हैं ना
तभी आपके जो सिस्टम होते हैं ना वो उनको उनके साथ स्ट्रगल करते हैं, जो आपकी बॉडी जो होती है उसके साथ स्ट्रगल करती है, और वो स्ट्रगल करके नॉर्मल पे आती है, फिर हम दोबारा रात में खा लेते हैं, फिर अगले दिन सुबह भी खा लेते हैं। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। कम बनाएं, थोड़ा ही खाएं और टेस्ट लेकर खाएं और स्वस्थ रहें। तो नमक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नमक आप ज़्यादा खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नैक्स भी जो होती है ना वो भी लिमिट में खाना चाहिए, अननेसेसरी उसमें सॉल्ट रहते हैं। और अगर आप कोई फ्रूट भी खा रहे होते हैं जैसे कि अमरूद, उसके साथ कोई सॉल्ट लेके खा रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा फुला के रखता है, आपकी बॉडी को इन्फ्लेट करके रखता है। सो इसीलिए सॉल्ट भी काफ़ी कम मात्रा में, 5 ग्राम से कम यानी कि 1 टीस्पून से कम, और शुगर भी, और अननेसेसरी ऑयल, अननेसेसरी चिकन मटन ये सब मत खाइए। नॉर्मल लाइफ में वीक में 1 दिन या 2 दिन ऐसा करके खा सकते हैं, स्पेशली जब आप 35 क्रॉस कर चुके हैं तो। अब कैसा है कि मैं डिस्चार्ज हो गया, इंडिया पहुंच गया, और उसके बाद दवाई तो खानी थी, मेडिसिन्स जो है अच्छे खासे चल रहे थे, 7-8 मेडिसिन्स थी। मेडिसिन्स पहले कभी ली नहीं थी, वो सारी मेडिसिन्स भी थी, उनके रिएक्शंस क्या होते, क्या मैं सही दवाई खा रहा हूँ कि नहीं ये भी मालूम नहीं है, इतनी सारी दवाई खाना ज़रूरी है क्या। तो जब 10 दिन इंडिया में गए, 10-15 दिन जब गए, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच आने लगा इधर से लेके पीछे तक। तो वो हो सकता है वो स्ट्रेस के कारण हो, या हो सकता है कि मैंने एक डाइट फॉलो किया उसके कारण हो, लेकिन जो भी हो ये खिंचाने लगा। और वो मुझे समय समय पे ऐसा लग रहा था, जब मैं ऐसे आराम करता था या इस पोजीशन में बैठा रहता था तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पे खिंचा रहा है। तब मैंने श्वेता से बात की और हमने एक डिसीजन लिया कि हमने इमरजेंसी में जो भी प्रोसीजर फॉलो की वो तो मैंडेटरी था, वो करना ही था, नहीं तो जीवन नहीं बच पाती। अब क्या है कि अब सब कुछ नॉर्मल है और थोड़ी बहुत जो इश्यूज हो रहे हैं और इतने सारे मेडिसिंस खा रहे हैं तो हमें वी शुड गो फॉर सेकेंड चेकअप। तो हमने प्लान बनाया दिल्ली जाने का, टिकट बुक की, दिल्ली गए। तो दिल्ली में हमने सबसे बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट सॉरी। तो हम लोग वहां गए, तब तक हमने किसी से कंसल्ट नहीं किया था, जो हमारे फ्रेंड्स फैमिली कोई भी थे वहाँ पे। तो हम लोग गए वहाँ पे और श्वेता को भी इश्यूज थे, श्वेता को भी चेकअप करवाने थे, ऑलरेडी वो अपने नेटिव स्टेट में चेकअप करवा रही थी, बट हमने सोचा कि हम दिल्ली आए हैं एंड वो भी टॉप डॉक्टर के पास तो चेकअप करवाना ही चाहिए। तो जब मैंने सारा रिपोर्ट्स दिया, सब कुछ दिया, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि जो टॉप डॉक्टर हैं, मैं टॉप डॉक्टर का नाम नहीं लेने वाला, नहीं हॉस्पिटल का नाम लेने वाला हूँ, लेकिन जो टॉप डॉक्टर थे उनके यहाँ जो मेरी रिपोर्ट्स थी वो भी ठीक से देखी नहीं गई, ना मुझे एक आला लगाया गया, ना बीपी मेजर किया, ना वेट मेजर किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे, मतलब वो क्या बताओ, अभी अनिमेश ही आपको डिस्क्राइब करेंगे, 1500 शायद उनका कंसल्टेशन फी था। हाँ, कंसल्टेशन फीस जो थी वो 1500 के आसपास थी। तो मैंने भी चेकअप करवाया, और चूंकि श्वेता भी दिल्ली गई थी तो हमने डिसाइड किया था कि श्वेता भी चेकअप करवाएगी। तो ना आला लगाया, ना बीपी मेजर किया, ना वेट मेजर किया, ना ऑक्सीजन मेजर की, कोविड पीक पे थी, कुछ भी मेजर नहीं किया, रिपोर्ट्स भी ठीक से देखे नहीं, सिर्फ पूछा हाँ कब हुआ था, क्या हुआ था, ओके ये सारी मेडिसिन चल रही है। फिर जो टॉप डॉक्टर थे वो भी स्क्रीन पे आए देखने के लिए। उनके जूनियर डॉक्टर्स 3-4 एक चैम्बर में बैठे हुए थे, सब पूछ के लिख रहे थे, बट पेशेंट को दूर चेयर पे बिठाया हुआ था, और जो डॉक्टर है, जो इतने बड़े डॉक्टर है, वो स्क्रीन पे देख रहे थे, स्क्रीन पे ही थोड़ा बहुत पूछा, बाकी पेशेंट का कुछ भी बीपी है क्या है कुछ भी ऐसे वो लोग चेक नहीं कर रहे थे। तो कुछ किया भी नहीं, हॉस्पिटल गए, हम लोग भी अच्छे खासे पैसे खर्च करके बिहार से अगर दिल्ली गए, वहां रह रहे हैं, और सब चीजें दिल्ली में भी हम करवाए। लोग उस टाइम में साउथ एक्स में रुके थे, और वहां से हम लोग कैब करके, मतलब काफी उतनी दूर दूर, थी काफी हॉस्पिटल। दूर है हॉस्पिटल, वहां जाना फिर वहां से आना। मम्मी जी भी साथ में गई थी, मतलब इनकी मम्मी, जो मैंने बताया था एक लड़की को हमने रखा हुआ था, तो वो भी साथ में गई थी, तो मम्मी जी और वो लड़की और नवनिया चारों लोग साथ में वही रूम पे थे जो हम लोग एयरबीएनबी का घर बुक करते वहां, और हम दोनों गए थे सुबह सुबह हॉस्पिटल, उतनी दूर जाकर दिखाने के बाद भी। खैर आगे अभी निवेश बताएंगे। तो कुछ
कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो सही मेडिसिन है, अभी मुझे चेंज नहीं करना है ये मेडिसिन, डॉक्टर ने बोला, वो स्क्रीन पे ही देखा उन्होंने। इन सब चीज़ में एक अच्छी बात हुई कि मेरे हार्ट अटैक के बाद इनको भी थोड़ा सा एंजाइटी हो गई थी या जो भी था, सफोकेशन होता था, ये चेकअप करवा भी रही थी नेटिव प्लेस पे हमारे, तो ये दिल्ली में भी गई। तो डॉक्टर ने इनसे पूछा, इनके प्रॉब्लम्स को पूछा और सीधा इनको भी बोला कि इनका भी सिटी एंजियोग्राम करवा देते हैं, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम होता है, काफी एक्सपेंसिव थी, वो करवा देते हैं। वो करवाने के बाद नो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, जीरो ब्लॉकेज। तो जब रिपोर्ट्स आए उन्होंने देखा और फिर उनके दिमाग में कुछ और आया और फिर से वो कुछ और टेस्ट लिखने लगे। हमें ऐसा लगा कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है और ऐसा दिख नहीं रहा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें लगा कि ये सही डिसीजन नहीं है और इसीलिए हमने वहीं पे स्टॉप किया। नहीं, उससे पहले भी एक बात हुई थी, जो मेरा रिपोर्ट आया था कि कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी मेरा सब कुछ ठीक था, तो उन्होंने भी स्क्रीन पे ही, जो उनके जूनियर डॉक्टर्स थे, तो जब मुझे बुलाया गया उस चैम्बर में, तो मैं गई, तो मेरे रिपोर्ट्स डॉक्टर को बताया गया कि कुछ भी नहीं, तो उन्होंने ना मेरा बीपी चेक किया उस टाइम में, कुछ भी मेरा चेक नहीं किया, और बस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने एक बीपी की मेडिसिन लिख दी, 6 महीने तक बीपी की मेडिसिन खाइए, उसके बाद आप आके दिखाओ। कुछ भी चेक नहीं किया कि उस टाइम में मेरा बीपी क्या था या पहले का क्या हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट ऐसे लिख दिया। तो मैंने फिर वो चीज़ फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो स्क्रीन पे जस्ट पूछ रहे थे और देख के लिख रहे थे, ठीक है, वो इतने बड़े डॉक्टर है, वो ऑनलाइन ऐसे देख रहे थे, तो जो वहाँ पे उनके सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए थे उनको तो एटलीस्ट बीपी वगैरह चेक करना चाहिए, या बाहर में जो नर्स थी वो चेक करती, कुछ भी तो उन लोगों ने चेक ही भी नहीं किया, और ऐसे ही उन्होंने बीपी की मेडिसिन लिख दिया था। तो फिर मैंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ठीक हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको और बताती हूँ, उस हॉस्पिटल में हमने जितने भी लोग देखे, मतलब ऐसे लोग थे वो उस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, बहुत परेशान होकर आना, या ऐसे लोग थे हस्बैंड के साथ वाइफ आई है, मतलब उनको इतना समझ में नहीं आ रहा था, उनको मतलब कुछ भी बोल रहे थे कि इनका ना पूरा ब्लॉकेज 100% है, आप अभी डिसीजन लीजिए, आप अभी एडमिट हो जाइए, अभी आपका ये करेंगे, और वो लोग ना इतना समझ नहीं पा रहे थे, मतलब इतना नॉलेज नहीं था। मोस्टली मुझे ज्यादातर लोग वैसे ही दिख रहे थे वहां पे, जिनको कुछ भी बोलो सर, बहुत डर रहे थे वो लोग। हमें कम से कम इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है अभी लाइफ में कि हमें कोई अगर ऐसे बोलते तो हम कम से कम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, चीजों को पूछेंगे लोगों से, तब हम कोई डिसीजन लेंगे। उन लोगों को ऐसा बोला जा रहा था आज के आज आप एडमिट हो जाइए, तो एक तो हस्बैंड वाइफ थे तो बोल रहे थे बच्चों से बात नहीं कर, नहीं नहीं बाद में बात कर लीजिएगा, आज आप हो जाए, आज कर लीजिए, आज ये वो। और एक आदमी अलग से थे, उनको भी बोल रहे थे कि आप अपने बच्चों को बाद में बताइएगा, पहले आप आज डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इस तरह से नर्स बता रही थी उन लोगों को। तो सारी चीजें बहुत मुझे बुरा लग रहा था, वो लोग डरा रहे थे एक्चुअली, वो मैंने भी देखा। एक व्यक्ति थे, उनको तो उन्होंने बोला मैं अपनी फैमिली से मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। नहीं, आप कल आप जा रहे हैं आज अपनी फैमिली के पास, उससे बेहतर है आप परसों चले जाएं, आज ट्रीटमेंट कर देते हैं, कल आपको डिस्चार्ज चला मिल जाएगा और परसों आप चले जाइएगा। मतलब मुझे दिखा कि वो लोग को डरा के कोशिश कर रहे हैं, तो हमें वो चीजें पसंद नहीं आई। और क्योंकि उन लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉरी मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पता चलता ना कि वो लोग कितनी मुश्किल से उतनी दूर से आए होंगे वहां ट्रीटमेंट के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते तो लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, बहुत कुछ को ऐसे किसी के पास रख के पैसे उधार लेते हैं लोन के रूप में। तो ये सारी चीजें देख के बहुत बुरा लग रहा था, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है अभी। बट हमें इतना समझ में आया कि नहीं, हमें थोड़ा दिमाग लगाना। तो हमें लगा कि हम इतने पैसे खर्च करके आए हैं तो हमें सेकेंड ओपिनियन वहां भी लेनी चाहिए, वो तो भला हो श्वेता की फ्रेंड का। श्वेता की वहाँ पे एक फ्रेंड थी जो डॉक्टर थी और अच्छे हॉस्पिटल में थी, काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में, तो उन्होंने हमें फिर से एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाया, मुझे स्पेशली, और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छे से चेकअप किया। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपका जान पहचान है, अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं कोई डॉक्टर हैं और वो भी अच्छे जगह पे, तो वो अगर वो आपकी हेल्प करते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से हो सकती है। थैंक्स टू हर फ्रेंड कि उन्होंने काफ़ी समय दिया और काफ़ी अच्छे से सारी डिटेल चेकअप जो होती है ना वो हमें दूसरे हॉस्पिटल में करवा के दिया, और डॉक्टर से भी फेस टू फेस कम से कम 20-25 मिनट तो बात करवा दिया। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी डाउट्स थे मन में, ये खिंचा रहा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इससे हमें यही सीख मिली कि जितने बड़े नाम होते हैं वो
होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आंख बंद करके वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो पहले हमें उनसे एक सजेशन लेनी चाहिए, और अगर वो समय दे दें आपके साथ आपके प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो समय दे दें आपको, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और फिर हम दोनों एटलीस्ट चिंता मुक्त हो गए वो सारी चेकअप्स के बाद। तो मेरी फ्रेंड साथ में गई थी, बिल्कुल अंदर में उनके चैम्बर में बैठी हुए थे, उन्होंने बिल्कुल पर्सनल तरीके से इस चीज को समझा और बहुत अच्छे से टाइम देकर देखा, सब कुछ समझाया। उन्होंने ये तो बोला कि हार्ट, देखो हार्ट अटैक आया है तो इफिशियंसी थोड़ी तो कम होगी क्योंकि हार्ट अटैक हुआ था, पर ठीक है आप एक घंटे से पहले गए थे, आपका सारा प्रोसीजर हुआ है तो अभी आपका हार्ट काम ठीक से कर रहा है और एफिशिएंसी भी अच्छी है, नॉर्मल लोगों के जैसी ही है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस है वो ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि उन्होंने भी एक भी मेडिसिन चेंज नहीं किया, मतलब जो मैं 7-8 मेडिसिन ले रहा था जो मुझे यहाँ के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, उन्होंने एक भी मेडिसिन कम नहीं की, किसी का भी जो पार होता है वो कम नहीं किया। तो इससे एक चीज़ पता चली कि जो भी ट्रीटमेंट यहाँ फॉलो किया गया है वो सही फॉलो किया गया है ट्रीटमेंट, और जो भी मेडिसिन दिए गए हैं वो सही मेडिसिन दिए गए हैं, एंड जितने भी समय के लिए वो मेडिसिन दी गई है वो मुझे फॉलो करनी है। जब एंजियोग्राफी होता है ना, उसकी एक सीडी होती है, तो वो सीडी जो है वो मुझे दी गई थी, जो यहाँ दुबई के हॉस्पिटल में फॉलो किया गया था, और वो सीडी जो है वो डॉक्टर ने देखा, जो इनकी फ्रेंड जो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी अपने हॉस्पिटल में, एंड उन्होंने देखा और उन्होंने भी कहा कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया गया है, कोई भी समस्या नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ थी कि जो मेडिसिन्स मैं खा रहा हूँ, जो प्रोसीजर्स फॉलो किए गए वो सही है कि नहीं, तो वो मैंने दिल्ली में चेकअप करवा लिया, क्योंकि रहना तो मुझे दुबई में ही है, फॉलो भी सब चीज़ें यही करनी है, मैं बार बार इंडिया में तो जाऊँगा नहीं या किसी और डॉक्टर के पास। तो ये चीज़ें भी कंफर्म हो गई कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी चल रही है। तो एक बार फिर से इनकी फ्रेंड का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वो वीडियो देख रही हैं तो यू वेर रियली हेल्पफुल, एंड ऐसे ही मदद करते रहिए लोगों का और तरक्की करते रहिए। तो वो तो सबकी मदद करती भी है। एग्जैक्टली तो अभी क्या है कि बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, जैसे कि समय पर उठो, एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत, वॉक करो, कैलोरी बर्न करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, तेल मसाला मत खाओ, चीनी और नमक लिमिट में खाओ, और मेडिसिंस जो है वो लेते रहो। बस यही चीज़ें जो है मैं फॉलो करता गया और 3-3 महीने पे दुबई में चेकअप करवाता हूँ। तो अब जो है इन सब चीज़ों से एक बहुत तगड़ी सीख मिली है, जो मैं अपने उन भाई बहनों को देना चाहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप 35 क्रॉस कर चुके हैं, 35 क्रॉस कर चुके हैं, पहले लोग बोलते थे 40 क्रॉस कर चुके हैं, बट अभी आज की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है ना, इतने सारे डिफिकल्टीज आ गए हैं लाइफ में, इतने चैलेंजेस आ गए हैं कि मैं तो बोलता हूँ अगर आप 35 क्रॉस कर चुके हो तो हर साल अपना चेकअप जरूर करवाएं। एक हेल्थ पैकेज आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मेरी मम्मी जब गई थी दिल्ली में तो उनका भी एक हेल्थ चेकअप का पैकेज लेके हमने पूरा चेकअप करवाया था, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे आई, उनकी भी मेडिसिन चल रही है। तो वो जो हेल्थ चेकअप होता है वो ईयरली करवाना बहुत ज़रूरी है एक बार, उससे पता चलता है कि कौन से विटामिन्स, क्या आपके शरीर में कमी है, किसके लिए मेडिसिंस लेनी चाहिए, या कुछ ऊपर नीचे भी तो नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स को आप देखेंगे, वो मुझे, मैंने न्यूज़ भी पढ़ा, एक एक्टर थे अभी, उनकी रूटीन चेकअप में पता चला कि उनको कुछ सीवियर बीमारी है, तो ये रूटीन चेकअप में भी आ जाती है और ये अर्ली डिटेक्ट हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी संभव है। तो इसीलिए सबसे पहला सजेशन यही है कि हर साल जो है एक बार रूटीन चेकअप जरूर करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स 35 क्रॉस कर चुके हैं तो अपने घर में 3-4 चीज़ें तो जरूर रखिए। थर्मोमीटर हर घर में रहता है, होना भी चाहिए। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन मेजर करने के लिए, आप देख ही चुके हैं कि ये कोविड में क्या क्या हो चुका है, तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है, और हार्ट के पेशेंट को भी ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन देखने के लिए, तो ऑक्सीमीटर। उसके बाद ब्लड प्रेशर मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप 35 क्रॉस किए हो ना किए हो, आपके घर में होनी चाहिए, और हर वीक एक रूटीन बनाइए कि संडे के संडे जो है ये मेडिकल टाइम है और हमें अपना बीपी चेक करना है, तो एक बार बीपी चेक कर लीजिए। अगर बीपी ऊपर नीचे दिखा फिर थोड़े अंतराल के बाद चेक कीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है बीपी मेजर करना। और अगर बीपी ऊपर नीचे आ रहा है तो नोट कीजिए, नोट करके अगले दिन डॉक्टर के पास जाइए और ये बताइए कि मेरा बीपी ऊपर नीचे आ रहा है, आप चेक कर दीजिए।
उसके बाद एक डायबिटीज किट, आजकल यंग लोगों में भी डायबिटीज हो रहा है, जैसे मेरी भी डायबिटीज जो है वो शूट की हुई थी उस टाइम जब मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे उससे पहले मालूम ही नहीं था कि मैं डायबिटिक हूँ। तो ये बहुत ही जरूरी है डायबिटीज किट भी, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, खुदा ना खासा करे कि किसी को डायबिटीज हो, नहीं है तो भी रखिए और हर संडे के संडे मेजर कर लीजिए, छोटा सा नीडल डाल के मेजर कर लीजिए। अगर आपको दिखता है कि फास्टिंग में वो 100 से ऊपर जा रही है, 105 110 से ऊपर जा रही है तो नोट कीजिए, और अगर खाने के बाद भी दिखता है कि वो 140 से ऊपर है, 150 160 कुछ उल्टे सीधे नंबर्स आ रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए, और अगर फास्टिंग में 90 95 100 से नीचे है, खाने के बाद भी 140 के काफ़ी नीचे है तो रहने दीजिए, बट एक चेकअप करना है। एक संडे को जैसे ये बोलती है ना वैसा मी टाइम है, वैसे ही आपके परिवार का मेडिकल टाइम होना चाहिए एक संडे को, जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब मेजर कर लीजिए। 10 मिनट 10 मिनट लगते हैं, और साल में भी एक मेडिकल टाइम होना चाहिए, जो आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक पैकेज लेके जितना आपसे संभव हो, 1000 के 2000 के, आजकल तो काफ़ी सस्ते पैकेज आ चुके हैं, सब टेस्ट जो है एक साथ करवा के देते हैं, अच्छे डॉक्टर्स के ओपिनियन भी मिल जाते हैं उसमें, 2000 में 2500 में। इसको आप इग्नोर मत कीजिए, जैसे आपके घर में खाना, दूध, चाय, ये सब आपकी नीड होती है, वैसे ही साल में एक बार तो मेडिकल चेकअप जो होती है वो आपकी नीड है, इसको फॉलो करना ही चाहिए। और साथ में जो मैंने बताया चार चीज़ें, बीपी मशीन या फिर डायबिटीज किट या फिर थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, जैसे आपका मेडिकल किट होता है ना, बैंडेज, डेटॉल, ये सब रखते वैसे ही रखिए, और एक मी टाइम की जगह मेडिकल टाइम बनाइए, और संडे को जब आप सभी घर में होते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपना चेकअप कीजिए खुद से, और नोट कीजिए किसी भी फैमिली मेंबर का ऊपर नीचे आ रहा है तो, ताकि वो 1 से 2 दिन में फिजिशियन से जाके दिखा सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। अच्छा खाने पीने के साथ, अच्छा खाना पीना मतलब लो कैलोरी फूड्स, मतलब तेल मसाला ये सारी चीज़ें नहीं जो मैंने बताया, कम खाइए, संडे को एंजॉय कीजिए, लेकिन मेडिकल टाइम फॉलो करते हुए। और एक बात, ये जो मेडिकल चेकअप वगैरह की बात हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि क्या होता ना, हमने अपने घर में देखा है, मेरी मम्मी, इनकी मम्मी ना, हम लोग अगर नहीं प्रेशर डाले, नहीं बोले ना, तो वो लोग नहीं चेक कराते, छोड़ो ठीक है कुछ भी होता ना ठीक हो जाएगा खुद से, मतलब टालते रहते हैं पेरेंट्स है ना, तो उन लोगों को ऐसा लगता नहीं हम ठीक है, मतलब बच्चों को परेशान नहीं करेंगे, तबीयत खराब भी तो खुद तक झेल के वो मतलब चलाते हैं काम, और इतना अगर बोलो भी ना कि आप जाकर दिखा लो या कुछ, तो इतना नहीं ध्यान देते, चलो ठीक है ना ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए बोला हमने। मुझे नहीं पता बाकी लोगों के घर में क्या, बट हमारे घर में हमने देखा है अगर मम्मी काम करते हैं, थक भी जाते हैं या फिर तबीयत खराब है ना, तो वो खुद तक अंदर अंदर रखे कि बट बताते नहीं है, तो इसीलिए सारी चीजें फिर बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए जरूरी है कि टाइम पे सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है। और एक और बात, जिनके घर में उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज या फिर हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके बच्चों को अगर वो 35 भी 30 हैं तो भी सारे मेडिकल चेकअप करवाने बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो मेडिकल टाइम जो मैंने बोला ना वीक में एक बार, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनहेरिटेंस जो होता है ना वो आती है अपने पेरेंट्स से या फिर उनके पेरेंट्स से आती है, वो बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसीलिए इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। जैसे चाय, दूध, खाना पीना ज़रूरी है, वैसे ही वीक में एक दिन मेडिकल टाइम भी ज़रूरी है, और साल में एक बार पूरा चेकअप भी जरूरी है, इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल और अगर लंबा जीना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, मेरी मम्मी या इनकी मम्मी भी अपने लिए नहीं जीती हैं, हमारे लिए जीती हैं, और हम भी अभी अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, यही तो हमने सीखा है, तो यही आप भी कीजिए। रिक्वेस्ट है छोटी सी, फॉलो तो करना चाहिए आप लोगों को, सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सबसे पहला बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी जो है लगातार श्वेता को इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए हम लोग इस टाइप के वीडियो आपके लिए लेकर भी आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोगों ने पूछा है कि फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, साधारण आदमी की भाषा में, साधारण सा जो अनुभव हुआ है उसके बेसिस पर, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ये म्यूचुअल फंड का स्कीम अच्छा है, वो इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ये इंश्योरेंस अच्छा है, वो इंश्योरेंस अच्छा है, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लो, इतने अकाउंट में पैसे रखो, फिक्स डिपॉजिट करो, हजार तरह के लोग अपने प्रोफेशंस के हिसाब से आपको सजेशन देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना
वो किसी भी समय ऊपर जा सकती है, किसी भी समय नीचे आ सकती है। अगर आपके पास थोड़े से ही पैसे हैं तो वो थोड़े से पैसे का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह करके रखें। ये मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो थोड़े प्रॉपर्टी में, थोड़े इंश्योरेंस में, थोड़े म्यूचुअल फंड्स में, आजकल तो बहुत सारी स्कीम आ गई, तो थोड़े थोड़े सब में करने चाहिए। ये मैं ऐसी सोचता हूँ और मुझे लगता है। फिर दोबारा बोलता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी तगड़ी नहीं होती कि जो आपको 500% या 200-300% रिटर्न देगी, और हमें इन चक्करों में भी नहीं पड़ना चाहिए। एक सीधा साधा जीवन व्यतीत करने के लिए मिला जुला अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितने भी 3-4 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें। तो हार्ट अटैक आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं ओटी में भी था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने सही तरह से सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं की हैं, और जो भी की हैं वो मेरी धर्मपत्नी को ठीक से मालूम नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे लाइनअप करनी है, अच्छे से करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, और उसकी जो डिटेल है वो मुझे अपनी धर्मपत्नी को देनी है। और मैंने एक फाइल मेंटेन की, ट्रस्ट मी, मैंने एक फाइल मेंटेन की सारी चीज़ें लिखकर, जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, या फिर किसी को पैसे दिए हैं, या फिर कोई लोन अगर है उसके क्या कंडीशंस हैं, क्या चीज क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें एक फाइल मेंटेन की, एक्सेल फाइल, वो एक्सेल या वर्ड किसी में भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप एक नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हैं, और मैं करता हूँ, और हर महीने के पहले सप्ताह में उसको फिर से मॉडिफाई करता हूँ लेटेस्ट स्टेटस के तौर पे, जो भी लेटेस्ट स्टेटस चल रहा है अभी वो उसमें डालता हूँ, और उसके बाद अपनी धर्मपत्नी को ईमेल के थ्रू भेज देता हूँ कि ये लेटेस्ट फाइल है, ताकि ये भी अवेयर रहे उससे, उन सारी चीज़ों से, और मैं भी अवेयर रहूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है जो है। ये बात सही है कि पहले मैं इन सारी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, मैं अपना दिमाग इन सारी चीजों में नहीं लगाती थी। एनिमेश है, देख रहे हैं सब कुछ, तो मैं क्यों इन सारी चीजों में पढ़ू। तो मैं बिंदास अपना लाइफ जीती थी पहले, बिल्कुल भी मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचती नहीं थी, सीरियस नहीं थी। बट जब अचानक से मुझे आज वो 4 फरवरी का दिन याद आता है, तो जो वो सारी चीजें हुई ना, और जो वो फोन कॉल, और जो मेरे पे वो बीता, तो शायद मैं उसको अपने शब्दों में, वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे बोल के, कि वो क्या फेज था और क्या उस टाइम में मेरे पे बीता था। कहते हैं ना कि काटो तो खून नहीं, वो वाली सिचुएशन थी मेरी उस समय में, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना वो वाली। तो उस टाइम में मुझे रियलाइज हुआ कि दो छोटे बच्चे सब कुछ, तो मैंने अपने लाइफ में सोचा कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा सीरियस होना है, चीजों को समझना है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देती थी। कहते हैं ना कि मतलब इतना नहीं सोचना वो था, चीजों को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया है, समझती हूँ, जो अनिमेश बताते हैं सुनती हूँ, भले मन करे ना करे उस टाइम में, बट कोशिश करती हूँ कि नहीं, चीजों को सुनना है, समझना है और दिमाग में रखना है, तो वो ध्यान देती हूँ मैं। तो ये फाइल जो है आप सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि पीसी पे, लैपटॉप पे, और अगर जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है वो एक नोटबुक में भी मेंटेन कर सकते हैं, और अपने नियर डियर वन जो सबसे नज़दीक होते हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो मैंने जो फाइल मेंटेन की ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये हेडलाइंस हैं प्रॉपर्टी एसेट्स के या फिर इन्वेस्टमेंट्स के, जो भी चीज़ें हैं उस पर, अगर ये मैंने फाइल ऐसी बनाई कि इस पर अगर क्लिक करूंगा तो वो उस पेज में जाएगी और दिखाएगी कि क्या डिटेल्स है इसके अंदर। तो ये फाइल मैंने मेंटेन की है, वैसे ही आप सभी भी कर सकते हैं अपने अपने फाइल। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी और एसेट्स रखा है, अभी 15-16 साल काम किया है मैंने, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होंगे, कुछ ना कुछ एसेट्स होगा, जैसे मेरी यहाँ पे गाड़ी है वो मेरी एसेट्स है, वो कैसे लिया है मैंने, कितने पैसे दे के लिया है, उसकी आज की वैल्यू क्या है, और मैं दुबई छोड़ के जाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, किससे कंसल्ट करना पड़ेगा जो हेल्प कर सकता है, जैसे कि कोई अच्छे फ्रेंड हो आपके या मेरे हैं इनफैक्ट, तो मैंने उसका नाम लिखा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। जैसे प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी पुणे में है, हमारी प्रॉपर्टी बिहार में है, उसके डिटेल्स, अगर लोन थे तो क्या लोन है, कितने बचे हुए हैं प्रिंसिपल अमाउंट, कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, अगर कुछ अनहोनी होती है तो ऐसे केस में कैसे सेटलमेंट होगा। जैसे आप सभी को भी मालूम है आज के डेट में होम लोन भी जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है कितने टेन्योर के लिए आपने होम लोन को इंश्योर कराना है। तो वो है, अगर जिसने होम लोन लिया है उसके साथ कोई अनहोनी होना हो जाती है और उसके परिवार पे बर्डन ना पड़े, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ उसमें लिखी हुई है। जैसे कि किसी ने ICICI बैंक का लोन लिया है और ICICI प्रोडेंशियल का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अगर उसके जाने के बाद कुछ अनहोनी हो जाती है और वो बंदा चला जाता है, तो
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को कैसे पैसा पे करेगा, क्योंकि वो उसी बंदे को मालूम है डिटेल में जिसने लोन ली थी और जिसने प्रोसीजर फॉलो किया। तो ये सारी चीजें जो है वो एक शीट में डिटेल्स में लिखी हुई है। इसके बावजूद भी किसी को समस्या हो तो किसको कॉन्टेक्ट करना है, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उसमें कोई ना कोई बंदा जो है वो जरूर अच्छी जानकारी वाला होगा फाइनेंस की, यू नो होम लोन्स की एंड ऑल, तो उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, जैसा मैंने बताया कितनी ईएमआई है, कितना मंथली पे करते हैं होम लोन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ऐसी अनहोनी होने के बाद क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें जो है उस प्रॉपर्टी और एसेट्स में लिखी हुई हैं, जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर और जो एसेट्स है यानी कि गाड़ी एंड ऑल उसके अंदर। तो ये चीजें अभी इनको भी समझ में आ सकती है, या फिर अगर ये किसी नियर डियर वंस को दिखाएंगे फ्यूचर में भी कि भाई ये फाइल है, वो भी पढ़ के समझ सकता है, और अगर उसको जहां तक जानकारी होगी वो भी हेल्प कर सकता है, या कोई अनजान व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा हो उसको देख के इसमें घुस सकता है, इसकी चीजों को समझ सकता है और हेल्प कर सकता है समझने में। एक बार फिर से बता दूं, आपने जितने भी संपत्ति अर्ज किए हैं, जितनी भी मेहनत की है, रात रात भर जागकर काम किया है, आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, ये मत भूलिए कि इसका फायदा कोई और उठा सकता है। इसीलिए सारी चीजें एक जगह पर व्यवस्थित करके अपने नियर डियर वंस के साथ साझा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, कभी भी कोई भी समस्या हो सकती है और अनहोनी हो सकती है, जिसके लिए हमें और हमारे परिवार वालों को हर कंडीशन में फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तबीयत खराब हो तभी कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए, रोज 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 1 महीने में पूरी फाइल तैयार हो जाती है, फिर हर महीने उसको अपडेट कीजिए और अपने नियर डियर वंस के साथ शेयर कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो अब जो है बैंक एफडीज की बात करते हैं। कुछ लोग जो है वो बैंक में एफडीज करते हैं, थोड़े बहुत पैसे अर्न हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं अगर, तो लोग सोचते हैं कि मैं इसको एफडी कर देता हूँ, बिल्कुल करनी भी चाहिए, 10-15 साल हो गया है लोगों का, तो थोड़ी बहुत एफडीज होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो बैंक एफडीज जो है वो कौन से अकाउंट में है, उस अकाउंट की सारी डिटेल, उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, अगर मंथली इंटरेस्ट है तो मंथली इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट है तो ईयरली इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें उस फाइल में मेंटेन करके रख सकते हैं, और उसके नॉमिनी कौन है, और अगर वो वही अकाउंट है जो आपके पास अकाउंट है, या अगर सैलरी आती है उसमें, तो वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। और ये सारी डिटेल्स इसलिए होनी चाहिए ताकि आपके जो नियर डियर वंस हैं, जो वो देखे तो उनको समझ में आए कि क्या करना है, और अगर कुछ अनहोनी हो जाए उससे भी रिलेटेड उसमें चीज़ें होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो ये करना है और इस आदमी को कांटेक्ट करना है, या फिर अगर आपके घर में कोई अच्छे फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं जिनको नॉलेज है, उनसे सलाह लेनी है, उनका नंबर, उनका नाम, ये रहा, ये सारी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए जो मैंने लिखी है। इससे आपके नियर डियर वंस जो हैं, जिनके लिए आपने ये सारी चीज़ें की, इतने मेहनत की, उनकी लाइफ आसान हो जाती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। उसके बाद है क्रेडिट्स गिवन, यानी कि उधार किसको किसको दिया है। अगर आप सॉफ्ट कॉपीज मेंटेन कर रहे हैं तो आप पीसी पे या फिर लैपटॉप में लिख सकते हैं एक पेज में, एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल के एक पेज में, कि आपने किस किस को पैसा दिया है, किस कंडीशन में दिया है, किस डेट को दिया है, और वो कब देने वाले हैं, या फिर अगर नहीं दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया अनहोनी तो उनको कॉन्टैक्ट करना है, उनको ये सब रेफरेंस देना है, ये नंबर है, ये नाम है, और किसी बड़े लोगों ने बोला अगर कि, या फिर किसी फ्रेंड ने बोला कि दे दो या कुछ करो, वो सारी डिटेल्स आप लिख सकते हैं उसमें, ताकि इन सारी चीज़ों की जानकारी भी जो है आपके नियर डियर वंस को रहे, आपके नज़दीकी लोगों को रहे, और वो सारे पैसे जो है वो वापस ले सके अगर ऐसी कुछ अनहोनी होती है तो। इसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर अभी इंडिया में बेटियों को पढ़ाने के लिए सुकन्या है, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, या फिर मैं एनआरआई हूँ तो एनआरआई से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होते हैं, वो बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, वो सारे स्कीम्स में थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी एक में ज़्यादा नहीं, किसी एक में कम नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके रखना चाहिए, क्योंकि कौन सी स्कीम कब आपको ज़्यादा फायदा देगी, कब ज़्यादा नुकसान देगी, ये मालूम नहीं रहता है, तो अगर फ़ायदा भी हो तो अच्छा हो और नुकसान भी हो तो कम हो, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसकी भी सारी डिटेल, जैसे कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, उसका इंश्योरेंस नंबर, कब से लिया है, उसका डेट,
कब उसका प्रीमियम पे करते हैं, कब रिटर्न होगा, अगर कुछ अनहोनी हो जाती है उस कंडीशन में क्या रिटर्न होगा, या फिर अगर 15 साल का प्लान है या 20 साल का प्लान है या 5 साल का 10 साल का तो उसके बाद क्या रिटर्न होगा, अगर नहीं भी हो रहा है तो क्या डिस्प्यूट हो सकती है जैसा आप सोच रहे हैं, अगर डिस्प्यूट हो गई तो किस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है, किस व्यक्ति को कॉल करना है, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। और अगर इन सब के बाद भी अभी समस्या आ रही है तो आपका कौन सा नज़दीकी फ्रेंड है जिसको इस सब चीज़ों की जानकारी है, वो आपको मदद कर सकता है, वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस से संबंधित या फिर यही चीज़ें म्यूचुअल फंड से संबंधित या फिर जो भारत में हैं जिनको सब चीज़ें मालूम है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उन सब से रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर एक पूरी फाइल में एक साथ मेंटेन करनी चाहिए। इसकी हेडिंग आप दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, सुकन्या, अगर सुकन्या आपने किया है तो, क्योंकि ये नॉन एनआरआईज के लिए है, तो ये सारी चीज़ें भी आप एक फाइल में मेंटेन कर सकते हैं जिससे आपके नियर डियर वंस की ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर कुछ अनहोनी होती भी है तो। ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की है अपने लिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों के बैंक लॉकर होते हैं, वो बैंक लॉकर में कुछ कागज जमीन जायदाद से रिलेटेड रखते हैं, कुछ गहने रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो भी आप लिख सकते हैं कि आपने गहने जो है इतने अमाउंट के लगभग रखे हुए हैं या फिर ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं इसमें, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके एक फाइल में रख सकते हैं, उसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं आज के कंडीशन के हिसाब से। जैसा मैंने बताया, हर महीने आप जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइस भी हमेशा ऊपर नीचे जाती है, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं उस दिन के हिसाब से, उस महीने के हिसाब से, और हर महीने आप उसमें मॉडिफाई करके करेक्शन करके, जैसे कि आप प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी में भी लोन है तो लोन आप हर महीने पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट प्रिंसिपल कम हो जाएगा, या फिर आपने किसी को उधार दिया है वो आपको पैसे दे रहा है वो पैसे कम जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उस फाइल में आप हर महीने के पहले सप्ताह में मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप मॉडिफाई करके अपने नियर डियर वंस को, आपकी अगर शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी को, या अगर शादी नहीं हुई है तो अपने माता पिता को शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, ताकि उनके पास भी जो लेटेस्ट फाइल जो है वो अपडेटेड रहे। उसके बाद है एम्प्लॉयर से रिलेटेड, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो कंपनी जो है आपको पीएफ दे सकती है या फिर ग्रेच्युटी अमाउंट दे सकती है, तो वो ग्रेच्युटी अमाउंट जो है उस महीने तक, यानी कि जिस महीने में आप फाइल अपडेट कर रहे हैं, इतनी लगभग बनती है, और इसको अगर लेना है तो कंपनी के किस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना है उसका डिटेल, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन करके लिख सकते हैं, या फिर अगर पीएफ है तो पीएफ किस कंडीशन में मिलेगी, कितने दिन के बाद मिलेगी, कितना अमाउंट लगभग हो सकता है पीएफ के लिए, इस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करना है, उसकी ये ईमेल आईडी है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत लोग के विलेज होते हैं, बहुत लोग के पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है अभी भी जो आपके माता पिता के नाम पे है, जो शायद आपको मिल सकती है या शायद नहीं भी मिले, उसकी भी थोड़ी बहुत डिटेल होनी चाहिए, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, किन किन का अधिकार है उस पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में जो पुराने ज़माने के हैं उसमें किसी की रसीद नहीं कटी हुई है, यानी कि जो लेटेस्ट रिसिप्ट होती है म्यूनसिपैलिटी की वो नहीं होती है, दाखिल खारिज जिनको बोलते हैं वो सब नहीं कराया हुआ होता है। अगर आपके पास ये पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ है और इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो जितनी भी आपको है, वो अगर नहीं भी है तो ये एक लेसन था, ये अनहोनी कभी भी हो सकती है, वो आप जानकारी ले लीजिए और वो सही तरीके से अपने फाइल में मेंटेन कर लीजिए, उसकी वैल्यूज़, उसके रसीद है अगर तो रसीद की क्या नंबर है, क्या डिटेल्स है, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि अगर बिजली बिल भी पे करते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी उसका बिजली बिल का जो अकाउंट नंबर होता है किसके नाम पे है, वो इलेक्ट्रिसिटी की मीटर एंड ऑल, वो सारी चीज़ें, मेरे कहने का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें आपको मालूम है या नहीं भी मालूम है लेकिन जरूरी पड़ सकती है ऐसी कुछ अनहोनी होने के बाद, वो सारी चीज़ें उस फाइल में प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिए, और अपने परिवार वालों के साथ जो आपके बहुत ही करीबी है, जो लगता है कि आपको उसका हकदार होना चाहिए या फिर उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए या फिर आपके बच्चों को मिलनी चाहिए, अगर आप दे सकते हैं सारी डिटेल उस व्यक्ति को तो आपके बच्चों को सारी सुविधाएं मिलेगी, उसके साथ आपको साझा करनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है आज के डेट में। मैंने जो है एक साधारण आदमी की भाषा में एक अच्छा अनुभव जो मिला है या फिर बुरा अनुभव मिला है, ये मैंने सब एकत्रित कर आपके साथ साझा की है।
इसीलिए क्योंकि आप अपने जीवन में जो उलझी हुई चीजें हैं उसको सुलझा सकें, और आप जो ये दिन रात मेहनत करते हैं या आपने मेहनत की है उन सभी चीजों का जो फल है वो सही समय पर आपके परिवार वालों को पूरी तरह से मिल सके। इसके लिए सारी डिटेल्स एक साथ एक फाइल में रखिए या फिर एक नोटबुक में रखिए और हर महीने उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद अपने परिवार वालों के साथ उसको शेयर कीजिए या फिर जो भी आपका नज़दीकी है उसके साथ शेयर कीजिए। और उससे पहले भी जो मैंने बताया मेडिकल टाइम जो है सप्ताह में एक बार रविवार को आप लोग जरूर रखिए। छोटे से चेकअप के लिए हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए अपनी चेकअप कर सकते हैं घर में, बीपी, डायबिटीज, थर्मोमीटर, टेम्परेचर जो भी है। बट एक बात है, लेकिन ये जो भी फाइल वगैरह आप मेंटेन कर रहे हो ये सोच के नहीं करना चाहिए कभी भी कि कुछ अनहोनी हो जाए या फिर अनहोनी हो जाएगी इसलिए मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। बस अच्छी सोच के साथ मेंटेन करना चाहिए ताकि चीजें आगे सुलझी हुई हो, मेरा तो यही मानना। इसीलिए तो मैंने वो हेल्थ वाली बात पहले बताई है। हाँ। हेल्थ वाली बात पहले बताई है कि ये नौबत नहीं आए इसलिए हमें वो फॉलो करना है, और अगर ये नौबत आ गई गलती से भी जो कि नहीं आनी चाहिए तो आपके परिवार वालों की जिंदगी अच्छे से बीते क्योंकि इसी के लिए आपने मेहनत की थी, इसीलिए मैं वो बताया। बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए कि ये होगा, अभी मैं भी नहीं सोचता, बट एक लर्निंग जो है वो मुझे मिली है और इससे अगर किसी का फायदा हो सके तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्योंकि जो सारी प्लानिंग्स है, जो भी चीजें आप फाइल बना रहे हो सब अपनी जगह, बट अगर किसी का कोई करीबी जिसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो जरूरी तो नहीं है कि जिसके लिए वो फाइल तैयार की गई हो उसकी मेंटल कंडीशन वो हो कि उस चीज को समझ सके आगे या आगे उस चीज को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए, नहीं हो पाता है वैसा, इसलिए वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। ये सोच के फाइल नहीं तैयार करनी चाहिए कि मुझे कुछ हो जाए तो फिर मेरी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा सोच के अच्छी सोच के साथ तैयार करना चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए साधारण सी भाषा में लिखनी चाहिए उसमें भी कि क्या करना पड़ेगा, कौन सा व्यक्ति है, किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या किया हुआ है, कब इसका अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो कब इसका टाइम पूरा हो रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। और मैं ये नहीं बोलता आप एक दिन में लिखो, 5-5 मिनट रोज दीजिए, एक महीने में पूरी फाइल तैयार हो जाती है, इतने इन्वेस्टमेंट होते कहाँ, इतने पैसे लोगों के पास होते कहाँ हैं आज के डेट में। तो ये सब एक साधारण सी लाइफ जो है वो व्यतीत करते हैं। मैं अपने नॉलेज में जितने लोग हैं उनकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बहुत अच्छा दोस्त लोग हैं लेकिन उन्हें बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, लेकिन जब उनकी धर्म पत्नियों को पूछोगे तो उनको नहीं मालूम है कुछ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो सब एक जगह होनी चाहिए और एटलीस्ट आपकी वाइफ को या फिर आपके पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए ताकि वो इसका सही से बेनिफिट ले सके। और दोबारा बहुत ही साधारण सी भाषा में अच्छे से लिखा होना चाहिए, डिटेल में लिखा होना चाहिए। समय की चिंता मत कीजिए, एक महीने में भी तैयार हो जाए फाइल तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कुछ फ्रेंड्स को ये सलाह दी थी और उन्होंने मेंटेन किया है, यहाँ तक कि जिसने मेरी जान भी बचाई उसने भी इसके बाद ये फाइल मेंटेन की है और भाभी के साथ वो शेयर करके रखा है ये सारी डिटेल्स, और भाभी को भी कुछ नहीं मालूम थी उससे पहले। तो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो चीज़ें श्वेता को मैं समझा सकता हूँ या उनको लगता है कि ये आसान है, अब जिंदगी आसान हो सकती है, आगे हेल्पफुल हो सकती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ भी साझा करता हूं। देखो आपने जो बातें बताई वो सारी प्रैक्टिकल बातें, बिल्कुल लाइफ में वो सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल और इससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लेकिन एक चीज ये भी नहीं, सब पैसा दौलत धन प्रॉपर्टी सब अपनी जगह, बट इंसान का जगह जिसकी जो अहमियत होती है उसको लाइफ में कोई नहीं ले सकता है, तो ये भी एक बात है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तीसरी वीडियो है। पहले तो हमने हार्ट अटैक से रिलेटेड चीजें बताई, जिसमें हमने बताया कि हार्ट अटैक हुई थी, क्यों हुई, सारी चीजें बताई। दूसरा वीडियो हमने बताया कि क्या कैसे मैनेज किया, उसमें भी सारी चीजें थी, और ये तीसरी आगे क्या किया, कैसे प्रॉपर्टी एसेट्स फाइनेंस हेल्थ सारी चीजें मैनेज की और इंश्योर किया कि जो इलाज चल रहा है वो भी सही चल रहा है, जो मेडिसिन चल रहे हैं वो भी सही चल रहे हैं। ये सारे इसलिए किया क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन सारी चीजों से आपकी फैमिली कनेक्टेड रहती है, आपकी फैमिली। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, एक सही में प्यार करने वाला इंसान अपनी फैमिली को अगर प्यार करता है तो ये नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली और भी कष्ट से जिए, और वो ये चाहेगा कि सारी चीजें जो है वो अपनी फैमिली को आसानी से बिना स्ट्रगल किए हुए
मिल जाए, इसीलिए ये सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। और मुझे लगता है शायद आप लोग में से भी बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सारी डिटेल्स जो है अपने फैमिली मेंबर्स ने शेयर नहीं किए, जैसे कि कोई वाइफ हो सकते हैं जिनको हस्बैंड ने नहीं बताया, या फिर कोई हस्बैंड हो सकते हैं जिनकी वाइफ कार्यरत है और उनकी वाइफ ने उनके साथ सारी डिटेल्स साझा नहीं की है, ये सोच के कि सब कुछ तो किया ही हुआ है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी एडल्ट हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, 2-3 साल हुए हैं काम किए हुए, उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ साझा नहीं की है, तो ये बिल्कुल करनी चाहिए। हमें तैयार रहनी चाहिए हर स्थिति में अपने और अपने परिवार वालों की सुख समृद्धि और सरल जीवन के लिए। हाँ, क्योंकि होता है ना, लोग सोचते हैं अरे कर देंगे आराम से, कल बता देंगे, परसों कभी टाइम आएगा तो बता देंगे, बट आज के टाइम में लाइफ ऐसी हो गई है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो एनीवेज हम उस तरह से नहीं सोचेंगे, लाइफ में अच्छा ही अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। इनकी इतनी तबीयत खराब हुई, इतना कुछ हुआ, बट मेरी तबीयत खराब हुई थी, बट जब ये मुझे मिले वहां पे आए, जब फिर मैंने अपने आप को संभाला, सारी चीजें किया, हम लोग दिल्ली गए, वहां पे पूरा चेकअप वगैरह कराया, जो भी कुछ था सब कुछ हुआ, और मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखा और आज तक रखते आ रही हूँ। हर परिस्थिति में 1-2 दिन ठीक है परेशान रहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि उससे निकल जाऊँ। और अभी तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है इनके हार्ट अटैक से 2-3 दिन पहले से लेके अभी तक का, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये इस तरह की आज लास्ट वीडियो थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए, इनसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, अपने भी अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जब हम लोगों ने शेयर किया तो आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने फर्स्ट वीडियो पे बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखा था कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है और 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो हमें भी बहुत सुन के ना वो एक होता है ना मोटिवेशन मिलते कि चलो 15 साल हो गए इस चीज को और अभी भी लोग ठीक है सब कुछ, तो बहुत मुझे हिम्मत मिली है उन सारी चीजों से। और आगे भी अगर आप लोगों को कभी भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका आंसर हम लोग दें, चाहे वहां लिख कर या फिर वीडियो में। हाँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात होती है ना, हम लोग दिल खोल के शेयर करते हैं अपने अनुभव के हिसाब से, और इसलिए जो है वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं अपनी लंबी वीडियो के लिए, लेकिन हमें वो विश्वास है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और अगर थोड़ा भी हेल्प मिल जाए, थोड़ी भी आपकी कुछ मदद हो जाए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और एक और बात है, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि सारे घर में सभी चीजें सुलझी भी रहती है कि मैं ही एक ऐसा कल्प्रिट हूं जो सब उलझा के रखा हुआ था और मैंने अभी ठीक की है। तो चूंकि मैंने ठीक की इसलिए मैं चाहता आप सभी भी ठीक कर लें, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब क्यों कोई कमेंट करेगा, जिनके घर में ठीक है या नहीं है तो क्यों यहाँ पे लिखेंगे, नहीं क्योंकि लिखेंगे। ये सुलझना जरूरी है, तो मुझे जरा एक अनुमान भी चाहिए कि भाई सभी लोग अच्छे थे, एक मैं ही सबसे बड़ा कल्प्रिट था, ऐसे बैठ के यू नो कोई भी चीजें अरेंज नहीं किया और अब जब ये अनहोनी हो गई तब मैं अरेंज किया ये सारी चीजें। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट कोई नहीं कमेंट करेंगे, रहने दो। जो कर सकते हैं कीजिए, और मुझे बताइए कि ये आपके फायदे की चीज थी कि नहीं, या फिर आपने आप कोशिश करेंगे ये चीज सुलझाने की। होता सबके दिमाग में है कि मुझे करना है ये सारी चीज, सबको पता होता, पर लोग सोचते जैसे कर देंगे कोई बात नहीं, कभी तो कर देंगे, चलो आज नहीं तो कल कर देंगे, ये बातें होती है ना, तो इसलिए कोई इतना प्लान करके सोच के नहीं करते हैं। ये चीजें होता सबके दिमाग में, सारी बातें सबको पता है, सबको मालूम है उनका पैसा है, उनके फैमिली को मिलना चाहिए, उनकी जो चीज है, पर सोचते हैं अच्छे कर देंगे, पर वही है आज के लाइफ में कब क्या किसको हो जाए पता नहीं चलता है, लाइफ ऐसी हो गई है आज के टाइम में, इतना बुरा वक्त आ गया है, कोरोना ने तो सब कुछ सिखा दिया सबको, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।